परिमेय संख्या के अंतर्गत आगे हम प्रश्नावली 1.4 के बारे में बात करेंगे, उसमें हम दो चीजों को समझेंगे। तो परिमेय संख्या क्या होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो वह है जिसको हम p भाग q में दर्शा सकते हैं, जहां पर q 0 से बराबर नहीं होता तथा p एवं q क्या है, सह अभाज्य संख्या होते हैं। अब परिमेय संख्या को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, एक शांत दशमलव प्रसार जिसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग, और दूसरा अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, समझिए इसे। जैसे मान लीजिए 17 भाग को भाग देंगे 4 से, तो क्या होगा, तो चार चार से क्या हो गया 16, क्या बचा 1। ठीक है, फिर यहां पर दशमलव देंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारे पास 2 से आ गया 8, फिर 2 आया, फिर यहां पर दशमलव का 0, यहां क्या हो गया 5। तो 4.25 पर यहां पर अब क्या हो गया, ये 0 आ गया, यहां पर कोई भी शेष फल नहीं बचा। तो 4.25 ये आखिर यहां पर टर्मिनेट हो गया, इसका मतलब है कि ये किसमें आएगा, शांत दशमलव प्रसार में आएगा। उसी प्रकार अशांत की बात करें तो 10 को अगर 3 से भाग देते हैं तो 10 को भाग दे दीजिए 3, 3 से क्या हो गया 9, बचा 1, फिर 10, फिर पॉइंट लेके 3, तो ये कंटिन्यूअस 3 3 3 3 क्या होते जाएगा, आते जाएगा। अगला करके देख लीजिए, फिर वही 10, तो ये कहानी बार बार बढ़ते जाएगी, इसलिए इसके बाद ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव प्रसार। अब इसमें जो ये किस फॉर्म में है, परिमेय संख्या, तो p भाग q में, ये भी क्या हो गया p भाग q में, तो इसका एक कंडीशन है, इस चीज कंडीशन को आपको जानना है। कंडीशन ये कहता है कि जो q है वो का जो विखंडन होगा, q का जो गुणनखंड होगा वो किसके तरह होना चाहिए, 2 भाग n या 5 क्रमांक m, जहां पर m और n जो है वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, और यहां पर q जो होगा वो बराबर नहीं होगा 2 घात n 5 घात m। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार का, जितने भी प्रकार के शांत दशमलव प्रसार होंगे, वो परिमेय संख्या जो शांत है उसमें या तो 2 और 5 आना बिल्कुल अनिवार्य है कि 2 5 आएगा ही आएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 5 आए, 5 का पावर कुछ भी आए, मान लीजिए 5 पावर 3, और या 2 2 अगर नहीं भी आया तो हम 2 पावर 0 लिख सकते हैं, या फिर 2 पावर 0 रहे, 2 पावर 3 रहे और 5 आए, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो वो किसमें चला जाएगा, अशांत में। तो आप किसी प्रकार के उदाहरण देख लेंगे तो ये याद रखिएगा, इसमें दो चीज समझिएगा कि q क्या है, q के जो अभाज्य गुणनखंडों को, q के अभाज्य गुणनखंडों के केवल 2 आए, केवल 2 आए, केवल क्या है 5 आए, या केवल 2 या 5 आए, तो केवल 2 या 5 आए, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, वो शांत दशमलव प्रसार। इसके अतिरिक्त कोई भी आएगा, जैसे मान लीजिए कि q का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो ये 2 गुना 2 घात क्या हो गया 3, और ये 5 घात क्या हो गया 2, और यहां पर मान लीजिए क्या आ गया 3, 3 घात 1, तो 2 5 तो आया लेकिन एक 3 भी आ गया जो कि 2 और 5 के अलावा है, इसका मतलब वो किसमें चला जाएगा, अशांत। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो जाएगा, और बाकी चीजों को हम प्रश्न करेंगे तो उसमें समझ जाएंगे। चलिए प्रश्न प्रश्नावली से सीधे करते हैं। तो प्रश्न में बोल रहा है बिना लंबी विभाजन के आप इस एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आएंगे
तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि कौन शांत है या कौन अशांत। तो शांत और अशांत पता करना है बिना विभाजन प्रक्रिया के, ठीक है। अब इसमें देखिए दो चीज हमको पता करना है, एक पता करना है शांत प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, या फिर अशांत आवृत्ति प्रसार। ठीक है, तो ये हम लोग पता करना, एक एक करके हम प्रश्नों को यहां पर देखें। तो कुछ प्रश्न है, देखते चलते हैं। इसमें आपको प्रश्न कैसे आएगा कि निम्न में से कौन सा शांत प्रसार नहीं है, निम्न में से कौन सा शांत प्रसार है, कौन अशांत प्रसार है, तो आप प्रश्न समझ जाएंगे तो देखकर ही क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है 13/325, 13/31/25। अब हमको बताना है कि शांत है क्या अशांत है, ऐसे कई प्रश्न दिए, सभी क्वेश्चन को एक एक करके देख लेंगे। तो 13 को अब सीधे हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो 13/25 सबसे पहले क्या है, क्यू यहां पर क्या है, क्यू है हमारा 31/25। 31/25 का हम फैक्टर कर लेते हैं, 31/25 पांच दिख रहा है तो 5 से जाएगा 625, फिर 5 से जाएगा 125, फिर 5 से जाएगा 25, और फिर 5 से जाएगा 5, और फिर 5 से गया 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 5 घात 5, और 2 है नहीं तो लिख सकते 2 घात 0। अब देखिए 5 और 2 का साथ आ गया, इसके अतिरिक्त तो कोई नहीं है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं है, इसका मतलब है कि 13/31/25 क्या है, शांत है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य कुछ प्रश्नों को भी हम देख सकते हैं, और इसी तरह से सब चीजें अब तो देखते हुए भी आपको समझ में आ जाएगा कौन सा शांत है कि कौन सा अशांत है। प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न 2 कहता है 17/8। अब 17/8 को आप सीधे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसी विधि से करेंगे। तो यहां पर क्यू कितना आया, क्यू है 8, तो क्यू को क्या लिख सकते हैं, सीधे लिख देते हैं 2 घात 3। दो घात तीन के अगर बात करें तो यहां पर 2 आ गया, और इसके अतिरिक्त कोई नहीं है, तो 5 घात 0 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये शांत है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न बोल रहा है 29/343, 29/343। तो यहां पर Q कितना है, 343। चलिए इसका हम गुणनखंड देख लेते हैं, 343 किससे जाएगा, 7 का ये क्यूब है, ये तो 7, 49, 7, 7, और ये 7, 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 क्यूब। अब बोलोगे यहां पर 2 घात 0 और 5 घात 0 भी लिख ले तो भी तो 7 एक अलग से आ गया, हमको 2 और 5 के अलावा कोई नहीं चाहिए, तभी वो शांत होगा। यहां पर 7 आ गया, इसका मतलब ये अशांत आवृत्ति है। ठीक है, अब धीरे धीरे आपको समझ में आ गया होगा कि हम शांत और अशांत को कैसे निकालते हैं। अगला प्रश्न है 129/2/5, 5 घात 7, 7 घात 5। अब यहां पर देखिए, अब इसको तो विखंड करने की जरूरत नहीं, गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, 2 5 आया बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर एक क्या आ गया, 7 आ गया, और ये 7 जो है हमको नहीं चाहिए, इस कारण से ये क्या हो गया, अशांत। इसको तो देखकर ही समझ में आ गया। अगला प्रश्न है 6/15। अब 6/15 है तो याद रखिएगा, कभी भी हम परिमेय संख्या की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि दोनों का जो एचसीएफ है 1 होना चाहिए, तो आप इसको पहले काट दीजिए उसके बाद हम उसका कुछ करेंगे। तो ये किससे कट जाएगा, 3 2 जा और 3 5 जा। अब ये 2/5 आया, अगर अगर ऐसा नहीं होता तो हम गलत कर देते। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए 6/15 को करते तो क्या आता, 15, ये आ जाता 3 5, तो 5 3 आ गया, तो आप बोलते कि ये क्या है, अशांत है, लेकिन गलत हो जाता। देखिए पहले आप उसको कैसा कर दिए कि दोनों का एचसीएफ केवल क्या आ जाए, 1 आए, तो इसको हम काट देंगे, उसके बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उसी को हमको क्या करना है, उसी का हमको गुणनखंड चेक करना है। अब यहां पर क्यू कितना आ गया, 5,
तो बिल्कुल ठीक है, 5 और 2 हम आराम से लिख सकते हैं, 2 0। अब इसके अतिरिक्त कोई नहीं है 5 और 2 के अतिरिक्त, इसका मतलब ये क्या है, शांत है। अगला प्रश्न देखिए, 75/50, 35/50, 35/50 में देखिए अभी कटने लायक है तो कट गया, तो ये हो गया 5 7 से, 5 10 से। अब 7 और क्या हो गया, 10, जानबूझ के दिया गया ये क्वेश्चन देखिए, क्योंकि 50 को देखेंगे तो फिर इसमें तो भी आ सकता है, लेकिन यहां पर आपको पहले इसको छोटे फॉर्म में करना है। तो 10 आ गया, क्यू का मान ये लिख लेंगे 2 घात 2 गुना 5, दोनों आ गए, इसका मतलब ये भी क्या है, शांत। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 77/210, तो ये 7 से जाएगा 11 और ये हो गया 7 30। तो यहां पर आप Q का मान कितना हो गया, 30, और 30 को हम लोग क्या लिख लेंगे, 5 × 2 × 3। अब 5 2 तो आ गया, लेकिन एक अतिरिक्त क्या आ गया, 3, इसका मतलब ये क्या है, अशांत। ठीक है, इसी प्रकार से हम कई प्रश्नों को कर सकते हैं और शांत और अशांत को निकाल सकते हैं। अब प्रश्न है, इसी सब प्रश्न में शांत शांत पता करने के साथ हमें कहा जाता है कि जो भी शांत हैं उनका हमको दशमलव प्रसार को भी लिखना है। आगे देखते हैं, तो प्रश्न अगला प्रश्न ये है जो क्रमांक 2 में है कि जो शांत हैं उन संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए, दशमलव प्रसार लिखिए। चलिए पहला देखते हैं, जो शांत उसमें से लेना है हमको, तो 13/3 ये शांत था, अब हमको इसका दशमलव प्रसार लिखना। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब इसको अगर डिवाइड करने जाएंगे, भाग देने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो हमको हर चीज को किसमें बदलना है उसको समझिए। हमको हर चीज को 10 नीचे के भाग 10 के रूप में लेके आना है। 10 के रूप में लेंगे तो हम जैसे मान लीजिए 23/10 कितना हो गया, 2.3। 15/23 बराबर अगर मान लीजिए 1000 करते हो कितना आ गया, 1.523। जितना शून्य होगा उतना दशमलव क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो ये लिखना आसान है, भाग देने की इसमें आवश्यकता नहीं होती, तो हर चीज को हमको उस रूप में ले जाना पड़ेगा। तो कैसे लेके जाएंगे उसको देखिए, जैसे मान लीजिए 13 है और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर कितना है, 5, हम लोग इसको कर चुके हैं, तो 13 5 का पावर 5। अब देखिए 5 का पावर 5 है, लेकिन 10 लाने के लिए हमको एक 2 भी चाहिए, तब नीचे 10 आएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2/5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब 2/5 2 घात 5 से ये कर दिए, दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, तो नीचे वाला सीधे क्या हो जाएगा, 10/5, और ऊपर वाला को आप कर लीजिए 13 2 × 2 2/5 कितना होता है, 32। अब इसको मल्टीप्लाई करना आसान है डिवाइड करने की जगह पर, तो नीचे तो 10 घात 5 हो गया और ऊपर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 416। इसका आंसर हो जाएगा 0.0416। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया एक उदाहरण और लेते हैं, 17/8 को लिखना है, तो 17/8 को क्या लिख सकते हैं, 17 और नीचे क्या आ गया, 2/3। अब हमको नीचे 10 लाना है तो हमको 5 चाहिए, तो जितना 2 का घात होगा उतना ही कर लीजिए, तो नीचे क्या आ जाएगा, 5/3, जितना डिवाइड किया उतना क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। इसको इसका वैल्यू तो वही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखें यहां पर, तो नीचे क्या हो जाएगा, सीधे 10/3 और ऊपर हो जाएगा 17 × 125। तो 17 × 125 हम जानते हैं 2125, और ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 2.125। तीसरा, 15/1600। ठीक है, तो अब देखिए इसका करने नहीं जाएंगे, पहले हम इसको छोटा कर लेंगे, तो ये 5 से 3 गया, ये हो गया नीचे 320। अब करेंगे तो 3/320, तो 320 करेंगे, 320 को क्या लिख सकते हैं, 320 मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपको 3 और नीचे आ गया 2/6 और इसमें क्या आ गया, 5, 2/6 × 5। अब देखिए 5 आ गया, तो 5 1 आ गया है, ये 6 है, तो और कितना 5 चाहिए हमको, 1 आ चुका है, तो और 5 बचेगा, तो ऊपर 5 5 से भाग कर देंगे और नीचे भी 5 5 से कर। इसको करने से कोई फर्क पड़ता है क्या, दोनों तो कट के वही आएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 5/5
और नीचे क्या हो जाएगा, दो घात छे, पांच घात छे। तो ये अब नीचे तो हो गया 10 घात छे और ऊपर में हो गया 5 का 5, हम जानते हैं कितना होता है 3 25, अभी निकाले थे यहाँ। तो ये हो गया हमारे पास इसकी मान 9375 10 घात 6, तो इसका मान हो जाएगा 0.09375। ठीक है, 6 है तो 1 0 और आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मान अलग अलग वैल्यू का। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, 23 घात 2 23/2 5 घात 2। अब इसको क्या करेंगे, तो 23 तो ठीक है ये पहले से किया हुआ है, तो 2 घात 3 तो ठीक है, लेकिन 1 5 और चाहिए तब बराबर हो जाएगा। 1 5 को बना मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए, तो हो गया 23 × 5 और नीचे आ गया 2 घात 3 5 घात 3, तो 23 × 5 और ये हो गया हमारे पास 10 घात 3। अब इसको काटने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15 1 5 10 11 ये हो गया, ये हो गया 0.11। इस प्रकार से जितने भी संख्या हमको मिल जाए, हम उसको देखकर ही अगर हमको पता चल जाएगा कि वो क्या है, शांत है, तो हम उसका दशमलव प्रसार क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यही हमारे पास पहली जो चैप्टर है उसमें ये आखिरी भाग है। ठीक है, अगले चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।